हो गया था, अब नाद बिंदु। नाद बिंदु उपनिषद। नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। इसमें ओम को हंस की संज्ञा दी गई है और हंस पक्षी के रूप में इस ओम की व्याख्यान, पर ब्रह्म का व्याख्यान किया गया है। ओम के विविध अंगों उपांगों का वर्णन हंस पक्षी के रूप में। तो हमने प्रश्नोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तत्पश्चात ध्यान बिंदु, रमनाथ बिंदु, इसमें ओम के विभिन्न अंगों का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। तो इसको हम यहाँ हंस, इसमें भी नाद अनुसंधान है, ध्यान योग ध्यान बिंदु में भी था, इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसमें इसको हंस विद्या कहा गया है। हंस विद्या से ही इस उपनिषद का उपदेश प्रारंभ हुआ है। तो ऋग्वेद की परंपरा से नाद बिंदु नाद से संबंधित है। नाद ओम की ध्वनि को भी, ध्वनि को नाद कहते हैं, ध्वनि को नाद। तो लय योग है, वो लय योग में नाद योग एक लय योग का प्रकार है, एक प्रकार है। और योग उत नाद अनुसंधान जो हट प्रतिभा में उस साधना का वर्णन है। अब हंस विद्या। ओम अकारो दक्षिण पक्ष उकार उत्तर स्मृतः मकारम पुच्छ मित्याहुर अर्ध मात्रा तु मस्तकम। हंस पक्षी का वर्णन करें तो हंस पक्षी कैसा? हंस पक्षी बोल रहे अकार दक्षिण पक्ष, एक पक्षी है, ये दायां पंख, ये बायां पंख, ये मस्तक और ये पूछ, ठीक है, दायां पक्ष, बायां पक्ष और मस्तक। तो बोल रहे हैं अकार और दक्षिण पक्ष। दक्षिण पक्ष क्या है? अकार। और उकार अस्तु उत्तर, उत्तर पक्ष क्या है? उकार। अकार दक्षिण पक्ष, उकार उत्तर पक्ष, उसका उल्टा। पूछ मकार, ये जो मकार है ये लगाते हैं हम, ये क्या है? मस्तक, अर्धमात्रा मस्तक। इस प्रकार ये ओम का वर्णन किया गया। आ उ मा ओम, तो जो अर्ध मात्रा तू मस्तकम, जो ऊपर अर्ध मात्रा हमने लगाई है इसकी संधि के कारण ओम का, तो वह क्या है? मस्तक है। इस प्रकार हंस रूपी पक्षी का वर्णन ओम के रूप में इस उपनिषद में किया गया है, इस उपनिषद में किया गया है। अब आगे और सुंदर स्थिति से वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि इसके पैर भी है, इसके पैर भी है दो। तो आगे बोल रहे हैं हंस पक्षी के दोनों पैर रजोगुण और तमोगुण है। तो दोनों पैर है ये रजोगुण और तमोगुण है। तत्पश्चात उसका शरीर सतोगुण है, इसका जो शरीर है ये सतोगुण है। क्या है? सतोगुण है। फिर दाई आंख और बाई आंख है, बाई आंख धर्म, बाई आंख अधर्म, धर्म और अधर्म। तत्पश्चात बताया गया है अलग अलग लोक, दोनों पैरों में भूलोक है, ठीक है। फिर जंघाओं में भूलोक है, कमर में स्वलोक है, नाभि में महालोक है, हृदय में जनालोक है और उसके कंठ में तपोलोक है और ललाट और भौं के मध्य सत्य लोक है, ब्रह्म लोक है। इस प्रकार सातों लोक भी इसके शरीर में से, ओम में सातों लोक भी है, सातों लोक भी है। तो इस पक्षी के अंतर्गत संपूर्ण सृष्टि का ओम के रूप में वर्णन किया है, ओम के रूप में वर्णन किया है। सहस्त्र पवित्र मंत्र एष प्रतिष्ठत एवं मेता समारूढ़ हंस योगी, हंस रूपी ओंकार से होकर कर्मों के अनुष्ठान ध्यान सत्य हंस योगी ओंकार की श्रेष्ठ विधि से मनन चिंतन करता हुआ करोड़ों पापों से निवृत्त होकर मोक्ष
को पाता है, मुक्ति को पाता है। तो ये हंस रूपी पक्षी कौन है? ओम। अब इस ओम के बारे में वर्णन पूरा ढंग से पढ़ लेते हैं। तो चार पांच चीजें हमें पढ़नी है इसके बारे में। एक तो इसकी मात्राओं का वर्णन है, अकार उकार इत्यादि में, ठीक है। अकार को क्या कहा गया, उकार को क्या कहा गया, मकार को क्या गया, अर्धमात्रा को क्या कहा गया है, ये होगी मात्राएं। तत्पश्चात त्रिगुण, इसके साथ किस त्रिगुणों का वर्णन है। तत्पश्चात धर्म अधर्म का वर्णन है और लोक का वर्णन है, धर्म और तत्पश्चात लोक। तो अकार उकार मकार और अर्धमात्रा। अकार किसको कहा गया है? दाएं पंख को, दाया पक्ष। उकार बाया पक्ष। मकार पुच्छ। अर्धमात्रा मस्तक शीर्ष प्रदेश, ठीक है। ये मात्रा त्रिगुण में शरीर को सतोगुण कहा है, रजो और तमोगुण दोनों पैरों को, एक पैर रजोगुण है एक तमोगुण है। तत्पश्चात धर्म अधर्म बहुत ही सुंदर कहा है, क्या कहा? बाई आंख और दाई आंख, बाई आंख अधर्म है और दाई आंख धर्म है। तो हंस रूपी पक्षी की ओमकार के दो आंखें, एक धर्म की है एक अधर्म की है, ठीक है। शरीर सतोगुणी है, पैर तमोगुणी और रजोगुणी है। अकार दाया पक्ष है, उकार बाया पंख है, मकार पूंछ है और मात्रा क्या है? मस्तक है। अब सातों लोक, तो पैरों में भूलोक, जंघाओं में भुआ लोक, कमर में कटी कमर सुहालोक, ठीक है, नाभि में महालोक, हृदय में जनालोक, कंठ में तपालोक और भ्रूमध्य, भ्रूकुटी मध्य तप सत्यम लोक। ये सात लोक है, भू भुआ स्व महा जना तपा और सत्यम, ये सात लोक। फिर अतल वितल सुतल तरातल मातल रसातल और पाताल, वो सात नीचे के लोक। फिर 14 लोक है, उसमें से ये 14 सात लोक ये हैं, भू भुआ स्व महा जना तपा सत्यम। तो ये पूरे शरीर में इस ओम रूप ओंकार रूपी हंस पक्षी के शरीर में ही सातों लोक विद्यमान है, तीनों गुण विद्यमान है, दोनों धर्म विधर्म धर्म और दया, इस सारा का सारा इस पक्षी के रूप में, हंस पक्षी के रूप में ओम को समझा गया है। हंस पक्षी का दर्शन देकर ओम की विद्या का वर्णन किया गया है, ओम की विद्या का वर्णन किया गया। अब आगे ओम के अंगों का वर्णन, ओंकार के अंगों का वर्णन। ओम के अंग, अंगों का वर्णन करते हुए उपनिषदकार कहते हैं, आग्नेयी प्रथमा मात्रा वायेशता परहा भानुमंडल संकासा भवेन मात्र तुत्रा परमाचार्द मात्रा ता वारुणी ता विदुर्बुधा ता विदुर्बुधा। प्रणव की अकार नमक मात्रा में आग्नेयी, प्रणव की द्वितीय उकार नमक वायव्या, मकार में सूर्यमंडल और प्रणव की अर्थ वारुणी नाम से कही गई है। तो चार अंग है, चारों के नाम है, अकार का उकार का मकार का अर्धमात्रा अर्धमात्रा। तो अकार की आग्नेयी, अकार की क्या है? आग्नेयी। उकार की वायव्या, मकार की सूर्यमंडल और अर्धमात्रा का वारुणी, ये इसके अंग है, चार मात्राएं हैं, ठीक है। तो ये चार मात्राएं, इनमें से प्रत्येक से तीन तीन कलाएं निकलती है, काल निकलती है। इस प्रकार ओम की 12 कलाएं हैं, 12 मात्राएं भी कहा गया है। ओम को 12 कलाओं युक्त कहा, द्वादश कलाओं युक्त, ठीक है। और इन 12 कलाओं को धारणा ध्यान,
ये चार है, आग्नेय, वायव्य, सूर्यमंडल, वारुणी, प्रत्येक के तीन तीन है, इसलिए ओम की 12 कलाएं। इन कलाओं को धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा जाना जाता है। संयम जो महर्षि पतंजलि ने कहा है, तो यहाँ धारणा, ध्यान, समाधि, अब ये 12 मात्राएं स्मरण रहनी चाहिए, 12 की 12 स्मरण होनी चाहिए, ये चार भी होनी चाहिए, आग्नेय, वायव्य, मां, सूर्य मंडल, अर्ध मात्रा, वारुणी। अब ये 12 नाम, 12 मात्राओं का, ठीक है, तत्पश्चात इनके विनियोग का फल, ये दो इसमें अपने पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण है। तो प्रथम मात्रा, द्वितीय मात्रा, तीसरी मात्रा, चौथी मात्रा, पांचवी मात्रा, छठी मात्रा, सातवीं मात्रा, आठवीं मात्रा, नौवीं मात्रा, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं, ये कुल 12 मात्रा है। पहली मात्रा का नाम घोषिणी है। क्या नाम है? घोषिणी। दूसरी का नाम है विद्युन मात्रा, विद्युत मात्रा को विद्युन मात्रा। तीसरी का नाम है पातंगी। क्या नाम है? पातंगी। चौथी का नाम वायु वेगिनी। पांचवी का नाम है नामधेया। छठी का नाम है इंद्री। सातवीं का नाम है वैष्णवी। आठवीं का नाम है सांकरी। नौवीं का नाम है महती। दसवीं का नाम है धृति। ग्यारहवीं का नाम नारी। और बारहवीं का नाम है ब्राह्मी। ये 12 मात्राएं हैं, स्मरण होना चाहिए नाम। 2 मिनट में जल्दी से स्मरण करो। घोषिणी, विद्युन मात्री, पातंगी, वायु वेगिनी, नामधेयी, इंद्री, वैष्णवी, सांकरी, महती, धृति, नारी, ब्राह्मी। घोषिणी घोष से, विद्युत से विद्युन मात्रा, पतंग से पातंगी, वायु वेगिनी, नामधेया, इंद्र से इंद्री, विष्णु, विष्णु से वैष्णवी, शंकर से सांकरी, महतत्व से महती, धैर्य से धृति, नारी और ब्राह्मी, ब्रह्म अंतिम लोक की ब्राह्मी। ये 12 मात्राएं हैं, स्मरण कर लीजिए। घोषिणी, विद्युन मात्री, पातंगी, वायु वेगिनी, नामधेयी, इंद्री। छठे नंबर इंद्र से इंद्री याद रहना चाहिए। सातवें नंबर वैष्णवी। आठवें नंबर सांकरी। उसके बाद मेथी, धृति, नारी, ब्राह्मी और ऊपर घोषिणी, विद्युत मात्रा, पातंगी, वायु वेगिनी, नामधेयी। तो कैसे ही करके स्मरण कर लीजिए। अब इन मात्राओं के साथ प्राणों के विनियोग करने पर, प्राणों को लगाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इन मात्राओं में व्यक्ति प्राणों को जोड़ लेता है, यहाँ प्राण में स्थित हो जाता है, तब उसका प्राण का परित्याग होने पर वो कहाँ जन्म लेगा, किस प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी, उसका वर्णन आगे कहा है। तो ओंकार की 12 मात्राओं के साथ प्राणों के विनियोग का परिणाम, इन इन मात्राओं में जो जो प्राणों का विनियोग करता है, जो जो इनके साथ युक्त हो जाता है, विनियोगी युक्त हो जाना, उसका लाभ बोल रहे हैं। क्या क्या लाभ है? तो पहली घोषणी के लिए बोल रहे हैं, प्रथम मात्रा में साधक अपने प्राणों का परित्याग कर देता तो साधक भारतवर्ष में सार्वभौमिक प्रति सम्राट, इस मात्रा में स्थित होकर प्राणों का त्याग, तो भारत भूमि में, भारतवर्ष में सार्वभौमिक चक्रवर्ती, चक्रवर्ती सम्राट, कौन सा? सार्वभौमिक, यूनिवर्सल सम्राट। विद्युत मात्रा के साथ प्राणों का विनियोग करके इस अवस्था में स्थित होकर जो शरीर छोड़ देता है, उसका क्या होता है? तो उपनिषद कहता है, ओम की द्वितीय मात्रा में जब साधक के प्राणों का उत्क्रमण हो जाता है, प्राण छूट जाते हैं, तब साधक महान महिमाशाली यक्ष के रूप में, इसमें महिमाशाली यक्ष के रूप में जन्म लेता है। पहले में चक्रवर्ती सम्राट, घोषिणी में विद्युत मात्रा में प्राण को स्थित कर जो प्राण छोड़ देता है, वो महिमाशाली यक्ष पातंगी। ओम की तृतीय मात्रा में प्राणों का उत्पन्न होने पर साधक विद्याधर के रूप में, ये अलग अलग लोक है, ठीक है, मनुष्य लोक में सबसे पहले सम्राट होता है, राजा तो सम्राट, फिर यक्ष लोक, फिर विद्याधर लोक। इस पातंगी मात्रा के साथ
प्राणों का विनियोग हो जाता है तब साधक अगले जन्म में विद्याधर के रूप में जन्म लेता है। विद्याधर ये तीसरी मात्रा के साथ, तीसरी कौन सी, पातंगी के साथ विनियोग करने का फल है। अब चौथा ओंकार की चौथी मात्रा में प्राण के परित्याग करने पर साधक गंधर्व के रूप में जन्म लेता है। यक्ष मनुष्य लोग, यक्ष लोग, विद्याधर लोग, गंधर्व लोग, गंधर्व लोग। पांचवा नाम धिया, ओम की पांचवी मात्रा में साधक के प्राणों का उत्क्रमण होता है या साधक प्राणों का परित्याग करता है तो साधक तुषित नामक देवों के साथ निवास करता है, चंद्रलोक में सम्मानित होता है। तुषित तृप्त करने वाले देव और चंद्रलोक में सम्मानित होता है अर्थात चंद्रलोक को प्राप्त करता है, चंद्रलोक को प्राप्त करता है। छठा इंद्री, ओम की छठवीं मात्रा में प्राणों का उत्क्रमण होने पर या प्राणों का परित्याग करने पर साधक देवराज इंद्र के सायुज्य पद को प्राप्त करता है, इंद्र के सायुज्य पद को प्राप्त, कौन से, इंद्र से इंद्री, इंद्र से इंद्री। सातवीं के लिए कहा गया है सातवीं मात्रा में प्राणों का उत्क्रमण होता है तो साधक भगवान विष्णु के वैकुंठ पद को प्राप्त करता है, वैष्णवी विष्णु से विष्णु भगवान का वैकुंठ पद। आठवीं मात्रा में साधक के प्राणों का उत्क्रमण होने पर साधक पशुपति भगवान शिव के रुद्र लोक में उनकी समीपता का लाभ प्राप्त करता है। नौवीं मात्रा में प्राणों का उत्क्रमण होने पर साधक महालोक को प्राप्त करता है। तो यहां से स्थिति बन रही है इंद्र लोक को, इंद्र से वैष्णु से विष्णु लोक, विष्णु लोक को यहां पर वैकुंठ पद भी कहा है, वैकुंठ पद, शंकर से रुद्र लोक कहा है। अब लोकों का महत्त्व से महालोक, महा धरती से जनालोक, नारी से तपालोक और ब्राह्मी से ब्रह्मलोक। तो भू भूस्व, उसके बाद ये महत्त्व से महालोक, जनालोक, तपालोक और सत्यमलोक, ब्रह्मलोक इसको प्राप्त करता है। तो नौवीं मात्रा में प्राणों को उत्क्रमण होने पर साधक महालोक को प्राप्त करता है। ओंकार की दसवीं मात्रा में प्राणों को उत्क्रमण होने पर साधक जनालोक, जनालोक को प्राप्त करता है। ये महालोक को, ये जनालोक, इस जनालोक को ध्रुव लोक भी कहते हैं, इस जनालोक को ध्रुव लोक। ये धृति बार दसवीं मात्रा पे प्राणों का इसमें विनियोग करेंगे, धृति में प्राणों का विनियोग, प्राणों का क्या होगा, विनियोग होगा प्राणों को स्थित करने पर, प्राणों को करेक्ट करने पर, किससे, धृति से। इसमें जब साधक का शरीर छोड़ देता है तो जनालोक को या ध्रुव लोक को प्राप्त होता है, प्राप्त करता है। फिर ग्यारहवीं मात्रा, ओंकार की ग्यारहवीं मात्रा में प्राणों का उत्पन्न होने पर साधक तपोलोक को प्राप्त करता है, किसको, तपोलोक। और अंतिम ओंकार की बारहवीं मात्रा में प्राणों का उत्क्रमण होने पर साधक शाश्वत ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, किसको, ब्रह्मलोक। इस प्रकार ये बारह जो मात्राएं ओम की है इनके साथ प्राणों का विनियोग करने पर, इनको प्राण, इनके भीतर इनके साथ प्राणों को लगाने पर क्या क्या फल मिलेंगे उसका वर्णन है, उसका वर्णन इस उपनिषद में किया गया है, इसका वर्णन उपनिषद में उपनिषदकार ने किया है। ब्रह्मलोक से परे निर्मल कल्याणकारी सदैव उदयमान परब्रह्म तत्व है। ब्रह्मलोक से परे क्या है, वह परब्रह्म तत्व है और कुछ नहीं है, और कुछ है ही नहीं है, लोकों का पराकाष्ठा है, सात लोक अपने सारे लोकों की पराकाष्ठा है। अतीन्द्रियम गुणातीतम मनोलीनम यदा भवेत अनुपम शिवम शांतम योग युक्तम अभिषेक। इसमें योग शब्द का प्रयोग हुआ है, क्या बोल रहे हैं, जब साधक का मन इंद्रियों से अतीत हो जाता है अर्थात गुणातीत हो जाता है, साधक क्या हो जाता है, गुणातीत अर्थात छत्रतम से परे होकर परम तत्व में विलीन हो जाता है, तब उपमा रहित कल्याणकारी शांत स्वरूप हो जाता है। इस स्थिति में पहुंचे हुए साधक को योग युक्त कहा गया है, क्या कहा गया, योग युक्त। तो योग युक्त किसको कहा गया है, तो बड़ा सुंदर कहा है, क्या कहा है, अतीन्द्रियम गुणातीतम मनोलीनम यदा भवेत अनुपम शिवम शांतम योग युक्त सदा विशेष। जब साधक का मन इंद्रियों से अतीत हो जाता, इंद्रियों से हट जाता है, सतम से परे होकर परम तत्व में विलीन हो जाता है, तब उपमा रहित अर्थात किसी तुलना से रहित कल्याणकारी शांत स्वरूप हो जाता है। इस स्थिति में पहुंचे साधक को क्या कहते हैं, योग युक्त कहा सकता है, योग युक्त कहा सकता है।
अब आगे कहा गया तद्युक्त स्तनमय जंतु स्नेर मुंचते कलेवरम संस्थितो योगचारेण संग विवर्जितः। उस योग युक्त और तन्मय वे साधक को अविद्या आदि क्लेशों से मुक्त और योग अभ्यास से स्वस्थ होकर सभी प्रकार की आसक्ति आदि दोषों से रहित हो जाना चाहिए। उस योग युक्त और तन्मय वे साधक को अविद्या आदि क्लेशों से मुक्त और योग अभ्यास से स्वस्थ होकर सभी प्रकार की आसक्ति, बहुत ही सुंदर कह रहे हैं। उस योग युक्त त्रिगुणों से परे था, इंद्रियों से परे था, वह योग युक्त हो रहा था, वह योग युक्त हो रहा था, और योग युक्त हुआ तो उस योग युक्त साधक की अविद्या आदि क्लेशों से मुक्त हो जाता है, योग अभ्यास से स्वस्थ हो जाता है और सभी प्रकार के दोष और आसक्ति से रहित। जिसने योग प्राप्त कर लिया है वो क्या हो जाता है, क्लेशों से मुक्त। अविद्या आदि क्लेशों से मुक्त हो जाता है। फिर इसमें कहा गया है योग अभ्यास से स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ सब हेल्थ नहीं है, स्वस्थ मींस स्व में स्थित, स्वयं में स्थित होने को, अर्थात आत्म स्थित होने को ही स्वस्थ शब्द कहा गया है, आत्मा में स्थित होना। इस योग अभ्यास से व्यक्ति आत्म स्थित हो जाता है, हेल्थ नहीं, ठीक है, तो क्लेश से मुक्त और स्वस्थ हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। और जब स्वस्थ हो जाएगा तो सभी प्रकार की आसक्ति और दोष स्वतः ही मिट जाएंगे, दोष स्वतः ही मिट जाएंगे। ततो विलीन पासो असो विमल कमला प्रभु तेनेव ब्रह्म भावेन परमानंद अश्नुते। उस योग युक्त साधक के समस्त सांसारिक बंधनों का नाश हो जाता है। योग साधक निर्मल कैवल्य पद को प्राप्त कर स्वयं ही परमात्मा हो जाता है। साधक ब्रह्म भाव से परमानंद को प्राप्त करके महान आनंद की अनुभूति करता है। अब बहुत सुंदर शब्द बोल रहे हैं, ठीक है, ये योग की तीन चीजें थी। योग अभ्यास क्या लाभ होता है, ठीक है, योग अभ्यास का फल क्या है, क्लेशों से मुक्त और स्वस्थ, क्लेशों से मुक्त और स्वस्थ, ये दो फल। फिर अब आगे बड़ा सुंदर है संस्कारों के बारे में कहा, योग सूत्र में इसमें भी आ रहा है। तो बोल रहे प्रारब्ध कर्मों का नाश आत्मज्ञान से नहीं किंतु तत्व ज्ञान के प्रकट होने से ही होता है। कर्माशय है ये बोध कर लेता है, मैं पुरुष हूं, ये चित है, इतने मात्र से नहीं होता है। विवेक ख्याति निरंतर अविपलवा कहा गया, क्या अविपलवा, तो प्रारब्ध कर्मों का नाश आत्मज्ञान से नहीं, तत्व ज्ञान से होता है। तत्व ज्ञान अर्थात शुद्धि साम्य, किसकी, सत्व शुद्धि साम्य, पुरुष और पुरुष के समान चित्त के भी, तो दोनों तत्वों का एकदम ज्ञान हो जाए, पुरुष का भी पूर्ण ज्ञान, चित्त का भी पूर्ण ज्ञान, ये जब पूर्ण ज्ञान हो तत्व ज्ञान से, तो प्रारब्ध कर्मों का नाश हो जाता है। अन्यथा मात्र आत्मज्ञान से, आत्मज्ञान से प्रारब्ध कर्मों का नाश नहीं होता है, ठीक है। विगत जन्मों में किए गए कर्मों को प्रारब्ध कर्म की संज्ञा दी गई है, पिछले जन्म में किए प्रारब्ध कर्म की संज्ञा दी गई, उपनिषदार कहते हैं। तो प्रारब्ध कर्म का नाश किस वजह, आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान से, आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान से। अब इसमें नाद अनुसंधान साधना का वर्णन है, उपनिषदकार कहते हैं प्रारब्ध कर्मों के नाश होने पर ओंकार रूपी ब्रह्म के साथ जीवात्मा की एकता के चिंतन से नाद रूप में स्वयं प्रकाशमान शिव का स्वरूप उसी प्रकार प्रकट हो जाता है जिस प्रकार बादलों के हट जाने से भगवान भास्कर प्रकाशित हो जाते हैं। तो प्रश्न आया प्रारब्ध कर्मों का नाश, तो तत्व ज्ञान से किसे होगा, तत्व ज्ञान से होगा। अब जब प्रारब्ध कर्मों का नाश हो जाएगा तो ओम रूपी ब्रह्म के साथ जीवात्मा की
इनका नाश हो गया। ओम रूपी ये जो जीवात्मा है, ओम रूपी जीवात्मा का ब्रह्म के साथ, ओम रूपी ब्रह्म के साथ एकता हो जाएगी, जीवात्मा का ब्रह्म। तो प्रारब्ध कर्मों का नाश हुआ, ये जीवात्मा थी, ये प्रारब्ध कर्म थे, ये नाश हो गया। ज्यों ही प्रारब्ध कर्म नाश हो गई तो जीवात्मा का इस ओम के साथ एकार हो गया। ये ओम भीतर था, ये प्रारब्ध कर्म थे। ज्यों ही इन प्रारब्ध कर्मों का नाश हुआ, ये ओम रूपी ब्रह्म के साथ जीवात्मा एक हो गई। क्या हो गई? ये कैसा उपनिषद कहते हैं। और ज्यों ही एकता हुई तब तो उस चिंतन से स्वयं प्रकाशमान शिव का स्वरूप उसी प्रकार प्रकट हो जाता है। तो ये जो ही इसके पीछे का दूषितापन खत्म हुआ तो ये शिव अर्थात शिव रूपी ओम उत्पन्न हो गए। शिव यानी कल्याणकारी। कैसे हुए? जैसे बादल हट गए तो सूर्य आ गया, भास्कर प्रकट हो गया। बादल थे तो सूर्य प्रकट नहीं हो रहा था, जो ही बादल हटे सूर्य प्रकाशित हो गया। इसी प्रकार भीतर की अशुद्धियां, भीतर के प्रारब्ध कर्म का नाश हो जाता है तो जीवात्मा का परब्रह्म रूपी ओम के साथ संयोग हो जाता है, संयोग हो जाता है। तो प्रश्न आ गया, प्रारब्ध कर्मों का नाश किसके द्वारा होता? तत्व ज्ञान के द्वारा। किसके द्वारा? तत्व ज्ञान के द्वारा। ओम ब्रह्म के रूप में और जीवात्मा, इन दोनों की एकता ही शिव स्वरूप प्राप्त करना है। क्या है? शिव स्वरूप। तो स्वयं प्रकाशमान शिव का स्वरूप प्रकट हो जाता है कब? जब परब्रह्म रूपी ओम के साथ जीवात्मा का संपर्क हो जाता है, मिलन हो जाता है, एकाकार हो जाता है। इस अवस्था को, इस अवस्था को, और ये अवस्था आएगी तो नाद स्वतः प्रकट होता है, नाद स्वतः प्रकट हो जाता है। अब नाद के लिए आगे बोल रहे हैं, कैसे बैठे, कैसे करें। सिद्धासने स्थितो योगी मुद्राम संधाय वैष्णवीम श्रुण्या दक्षिण करणे नाद अंतर्गत सदा। योगी को सिद्धासन में बैठकर वैष्णवी मुद्रा धारण करके दाएं कान के भीतर उठते हुए नाद का सदा श्रवण करें। इस प्रकार नाद का क्या गया अभ्यास बाह्य ध्वनियों को आवृत कर लेता है और दोनों पक्ष अकार और मकार को जीतकर ओंकार को आकर्षित कर सूर्यावस्था को प्राप्त कर लेता है। तो नाद अनुसंधान का वर्णन किया है। नाद अनुसंधान का वर्णन करते हुए उपनिषदार कहते हैं कि नाद का अभ्यास सिद्धासन में बैठकर, आसन सिद्धासन, मुद्रा वैष्णवी मुद्रा, मुद्रा वैष्णवी मुद्रा, और कान कौन से कान? दाएं कान के भीतर। के स्वर को सुनना, ये तीन चीज में बताई गई है, तीन चीज बताई गई है। इस प्रकार, किस प्रकार? सिद्धासन में बैठकर वैष्णवी मुद्रा लगा के जो भीतर ध्वनि उत्पन्न हो रही है दाएं कान में, उसे सुनने का प्रयत्न करना, चाहे नाद अनुसंधान। ऐसा करेगा तो बाह्य ध्वनियों को, ये नाद बाह्य ध्वनियों को आवृत कर लेता है, ढक लेता है। बाहर चाहे कितनी भी ध्वनि हो उसे पता नहीं चलता है। इस प्रकार दोनों पक्षों अकार और मकार को जीतकर पूर्ण ओंकार को आत्मसात कर तुरीयावस्था को प्राप्त कर लेता है। बड़ा सुंदर शब्द बोला, दोनों पक्षों को अकार और मकार, अकार और मकार। क्योंकि अकार उत्पत्ति से संबंधित है और मकार लय से संबंधित है, इसलिए यहाँ अकार और मकार को कहा गया है। कुछ भी उत्पत्ति अकार से होती है, लय आके मकार में हो जाता है, मकार में हो जाता है। अकार और मकार को जीतकर पूर्ण ओम को साथ साथ कर तुरिया अवस्था को प्राप्त कर लेता है। किसके द्वारा? नाद अनुसंधान। तो नाद अनुसंधान में भी ओम को ही प्रकट किया जाता है, ब्रह्म के उस नाद को ही प्रकट किया जाता है। श्रुते प्रथमाभ्यासे नादो नाना विधे महान वर्धमान अभ्यास श्रुते सूक्ष्म सूक्ष्मतः। अभ्यास की आरंभिक अवस्था में ये महान नाद विभिन्न प्रकार से सुनाई देता है। अभ्यास की प्रारंभ अवस्था में ये महान नाद विभिन्न प्रकार से सुनाई देता है। इसके पश्चात जब अभ्यास अधिक बढ़ जाता है तब उसके सूक्ष्म नाद सुनाई पड़ने लगते हैं। अभ्यास अधिक बढ़ाने पर सूक्ष्म नाद सुनाई पड़ते हैं। फिर नाद की आरंभिक अवस्था में समुद्र मेघ भेरी झरनों से उत्पन्न ध्वनि में के समान नाद सुनाई देता है, ठीक है। तत्पश्चात नाद की मध्यम अवस्था में मृदंग घंटे नगाड़े की भांति की नाद सुनाई देती है। नाद की अंतिम अवस्था में किंकणी वंशी वीणा भ्रमर की ध्वनि के समान
मधुर नाद ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस प्रकार सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर नाद। आरंभिक, मध्य और अंतिम, हमने हट प्रदीपिका में अलग अवस्था जो कल पढ़ी थी, आरंभ अवस्था, परिचय, घट अवस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था, ठीक है, यहाँ कहा आरंभिक अवस्था, मध्यम अवस्था और अंतिम अवस्था। और अंतिम अवस्था तीनों जगह अलग अलग प्रकार के साउंड, चार प्रकार के साउंड थे। यहाँ है समुद्र, मेघ, भेरी, झरना, पहला मध्यम अवस्था में मृदंग, घंटे, नगाड़े, और तीसरी अवस्था में किंगणी, वंशी, वीणा और भ्रमर। और भ्रमर, अब आगे नाद की विशेषता का वर्णन करते कह रहे हैं, यत्र कुत्रापि वा नादे लगति प्रथमं मनः तत्र तत्र स्थिर भूत्वा तेन सार्धं मिलीयते। अर्थात साधक का मन सर्वप्रथम जहां जहां किसी भी साध नाद में लगता है वहां वहां पर मन को स्थिर करना चाहिए। यत्र कुत्रापि वा नादे लगति प्रथमं मनः, जहां कहीं जिस किसी नाद में पहले मन लग जाता है उसी में मन को स्थिर करना चाहिए। ऐसा करने से चित्त स्वयं ही विलीन होने लग जाता, सार्धं मिलीयते, ऐसा करेंगे कहां जहां भी मन लगा उस नाद को सुनने लगे। ऐसा करने से, नाद में मन को स्थिर करने से चित स्वतः ही विलीन होने लगता है, स्वयं से ही विलीन होने लगता है। अब बहुत अच्छा प्रश्न आएगा, स्मरण रखें, ये नाद विषय वासना को मिटाता है। नाद किसको मिटाता है? विषय वासना को। ये नाद मन रूपी हिरण को बांधने में जाल का काम करता है। पहला विषय वासना को मिटाता है, दूसरा मन रूपी हिरण को बांधने में जाल का कार्य करता है। कौन? नाद, अर्थात मन वहां लग जाता है। ब्रह्म रूप प्रणव में संलग्न एक हुआ नाद स्वयं ही प्रकाश रूप है। तो चार चीजें, साधक का मन सर्वप्रथम जहां जहां किसी भी नाद में लगता है वहां वहां मन को स्थिर करना चाहिए। ऐसा करने से चित्त स्वयं ही विलीन होने लगता है। फिर ये नाद विषय वासना को मिटाता है। प्रश्न नंबर दो, नाद मन रूपी हिरण को बांधने में जाल का, तो मन रूपी हिरण को बांधने में जाल का कार्य कौन करता है? नाद। नाद, इस नाद का वर्णन नादानुसंधान अर्थात नाद बिंदु उपनिषद में। फिर ब्रह्म रूप प्रणव में संलग्न एक नाद स्वयं ही प्रकाश में रूप होता है। प्रकाश रूप होता है, अकार, उकार या मकार तीनों में से कोई हो प्रकाश स्वरूप ही होते हैं, ऐसा उपनिषदकार कहते हैं। अब इस नाद को इन्होंने दो भागों में बांटा है। घन नाद, सूक्ष्म नाद। घन नाद, सूक्ष्म नाद। घन और सूक्ष्म, लाउडली और सटल, और सटल नाद। घन नाद अभेद्य ध्वनि, सूक्ष्म नाद अतिमंद ध्वनि, अभेद्य अर्थात ऐसी ध्वनि जिसको कोई भेद नहीं सकता है, और ये सूक्ष्म बिल्कुल हल्की नाद, बिल्कुल हल्की नाद जिसको अतिमंद, क्या कहा? अतिमंद, बहुत ही धीरे, और ये शीघ्र और जोर से। घन नाद और सूक्ष्म नाद, नाद दो प्रकार का वर्णन है। नाद बिंदु में कितने प्रकार का नाद? दो, घन और सूक्ष्म। घन और सूक्ष्म, ये तो उच्चारण की दृष्टि या ध्वनि की दृष्टि से दो प्रकार के, घन नाद और सूक्ष्म नाद। अब आगे स्थिति आती है मनोलय, और मनोलय की स्थिति, मन का लीन होना, मन का लीन होना, जिसको हट प्रदीपिका में मनोन्मनी अवस्था कहा है, मन की उन्मनी अवस्था, मन की उन्मनी अवस्था, उसका वर्णन करते हुए कहा है, मनस्तत्र लयम याति तद विष्णु परमं पदम तावद आकाश संकल्पो याव शब्द प्रवर्ते। उपनिषदकार कहते हैं मन वहां विलय हो जाता है जहां परम श्रेष्ठ भगवान विष्णु का परम पद है। मन वहां विलय हो जाता है जहां परम श्रेष्ठ भगवान विष्णु का परम पद है। मन में आकाश तत्व का संकलन तभी तक रहता है जब तक कि शब्दों का उच्चारण और श्रवण होता है। मन में आकाश तत्व का संकल्प तभी तक रहता है जब तक कि शब्दों का उच्चारण और श्रवण होता है। हम शब्द सुनेंगे या उच्चारण करेंगे तभी हमारे भीतर कुछ करने का संकल्प उठता, ऐसा उपनिषदकार कहते हैं।
जहां मन विलय हो जाता है वहां पर भगवान विष्णु का धनुष बाण लिए हुए जो परम पद है उसी में स्थिति कही गई है, चतुर्भुज विष्णु का स्थिति। तो मन वहां विलय हो जाता है जहां परम श्रेष्ठ भगवान विष्णु का परम पद है और मन में आकाश तत्व का संकल्प तभी तक रहता है जब तक कि शब्दों का उच्चारण और श्रवण आकाश तत्व से अन्य तत्व है। और चूंकि आकाश तत्व का किससे उत्पन्न होता है, तन्मात्रा शब्द से, और तन्मात्रा शब्द क्या होता है, कान से श्रवण, तो उसकी विशेषता का यहाँ वर्णन किया गया है। तो यहाँ प्रश्न तीन उठ, मन का विलय कहाँ होता है, जहाँ परम श्रेष्ठ भगवान विष्णु चतुर्भुज भगवान विष्णु का परम पद है। दूसरा, मन में आकाश तत्व का संकल्प कब तक रहता है, जब तक कि शब्दों का उच्चारण और श्रवण है, या तो शब्द उच्चारित हो रहे हैं हमारे द्वारा या हम सुन रहे हैं, क्योंकि शब्द के माध्यम से ही आकाश तत्व उत्पन्न हुए हैं। तो मन में आकाश तत्व का संकल्प, अर्थात भीतर आकाश तत्व, आकाश तत्व है तो संपूर्ण सब कुछ है, सब कुछ है। फिर आगे बोलते हैं, निःशब्दम तत् परम ब्रह्म परमात्मा समीयते नादो याव मनस्तता तावद नादन्ति अपि मनोन्मनि। निःशब्द अर्थात शब्द रहित होने पर मन परब्रह्म के परमात्म तत्व का अनुभव करने लगता है। जब निःशब्द हो जाता है मन, जब मन का निःशब्द अर्थात उसके भीतर कोई विचार, चूंकि आकाश तत्व नहीं तो कोई संकल्प उत्पन्न नहीं होगा, तो वो बोलेगा ही नहीं, विचार भी नहीं, तो मन परब्रह्म के तब कब लगेगा, जब वो निःशब्द हो जाए, शब्द रहित हो जाए, अर्थात ना सुनना और ना बोलना, उच्चारण भी नहीं, श्रवण भी नहीं, क्योंकि नाद को सुन रहा है तो बाह्य कुछ सुन ही नहीं रहा है, नाद में आनंदित है तो बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तब साधक का मन परब्रह्म परमात्मा का अनुभव करने लगता है। नाद के रहने तक ही मन का अस्तित्व बना रहता है, नाद के पूर्ण होने पर मन भी अमन शून्यवत हो जाता है। नाद में इतना डूब गया तो समाधि की अवस्था में पहुंच गया, जो विष्णु का परम पद है वहां, तो फिर मन भी अब अमन हो गया, अर्थात अब मन में कोई विचार नहीं है, अब मन में कोई विचार नहीं है सारे विचारों से, इसको ही मनोन्मनी या अमन कहा गया है, मनोन्मनी अवस्था। तो मन और मनोलय की स्थिति, मन अर्थात संकल्प विकल्प, मन अर्थात संकल्प विकल्प, मन संकल्प विकल्प वाला, ठीक है। अब नाद के माध्यम से, नाद चूंकि घन और सूक्ष्म नाद है, नाद का अभ्यास कैसे किया, सिद्धासन में बैठकर वैष्णवी मुद्रा लगाकर, ये वैष्णवी मुद्रा योनि मुद्रा के लगभग सेम है, जिसको सन्मुखी मुद्रा कहते हैं, जिसको क्या कहा, सन्मुखी मुद्रा। ये जो मुखी है ये सन्मुखी मुद्रा कहलाती है, तो इस मुद्रा में बैठकर इसी को वैष्णवी मुद्रा इन्होंने कहा है। इसमें जब वो नाद सुनाई दे, कौन से, दाएं कान में, दाएं कान का, जबकि कई जगह नाद दोनों कान में सुनने को बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ दाएं कान में जब वो नाद सुनेगा तो तीन अवस्थाएं, नाद आरंभिक, मध्य और अंतिम, या ठीक अंतिम अवस्था, तो तीनों की अलग अलग ध्वनियां हैं। उस ध्वनि में भी ये नाद दो प्रकार, घन और सूक्ष्म, जब नाद सिद्ध हो गया तब मन विलय हो जाता है, मन कहाँ हो जाता है, विलीन हो जाता है, कहाँ हो जाता है, जहां भगवान विष्णु का परम पद है, भगवान विष्णु का परम पद अर्थात ब्रह्मलोक कह दीजिए, ये मन वहां विलीन हो जाता है। और अब आगे बोलते हैं, मन में संकल्प तभी तक रहता है, विलीन हो गया संकल्प नहीं है, लेकिन ये संकल्प तभी तक रहता है जब तक आकाश तत्व है, और आकाश तत्व कब तक है, जब तक शब्द है, उच्चारण है, शब्द है तो श्रवण होगा, फिर श्रवण और उच्चारण है तभी तक आकाश तत्व का संकल्प है। जो ही श्रवण, सुनना भी बंद हो गया, उच्चारण भी बंद हो गया, तो आकाश तत्व कोई रहे ही नहीं, तो कुछ ना कुछ सुनना है ना कुछ बोलना है। अब आगे बोलते हैं, निःशब्द होने पर, क्योंकि अब शब्द बचा ही नहीं है, तो स्थिति क्या आ गई, निःशब्द, ना भीतर कुछ सुनाई ना बाहर, ऐसा मन उस स्थिति में पहुंच गया, मन परब्रह्म के परमात्म तत्व को जब निःशब्द हो गया, तो अब वो उस बोध को अनुभव कर रहा है, कौन सा बोध, जिसको परमात्मा बोध कहते हैं, आत्मबोध कहते हैं, साधक इस बोध को अनुभव करता है, क्या करता है, अनुभव करता है। फिर उस नाद की ध्वनि रहती है तभी तक मन रहता है, जो ही नाद की ध्वनि लुप्त होने लगती है फिर मन भी नहीं रहता, इस मन को अपने
उन्मनी कहा है, उन्मनी अवस्था या अमन कहा है, मन का अमन अर्थात अब मन में कोई संकल्प नहीं है, मन का उच्च स्थिति में ठहर जाना, स्थिर हो जाना, मन पूर्णतया उस नाद में ऐसा डूब गया उसे कुछ भान ही नहीं है, ना नाद है अर्थात जो स्वरूप शून्यवार्थ हम पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ स्वरूप शब्द का भी सब कुछ स्वरूप शून्य हो गया, केवल मात्र क्या शांति है, क्या है केवल शांति है, तो कोई शब्द है कुछ नहीं है, ये अवस्थी उन्मनी अवस्था या अमन अवस्था कहलाती है, पूर्ण शांति की अवस्था, पूर्ण यहाँ पर मन शून्य मत हो जाता है, अब इसके भीतर मन के भीतर कुछ नहीं है, शून्य शून्य, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, केवल शून्य सा हो जाता है। सशब्द चाक्षरे शीणि निःशब्दम परम पदम, सशब्द नाद और शब्द नाद की अक्षर स्वरूप ब्रह्म में लय हो जाने पर वह नाद निःशब्द परम पद कहलाता है। तो जो शब्द नाद सुन रहे थे पहले ओम के उच्चारण ओम के था, फिर वो जब सुन रहे थे अंदर से, उस शब्द नाद का भी ब्रह्म में लीन हो जाता है, वो ध्वनि भी आनी बंद हो जाती, ये अवस्था आ जाती है, तो निःशब्द परम पद कहा है, क्या कहा है परम पद, क्योंकि ये बोध करा रहा है किसका, परमात्म तत्व का, आत्म तत्व का। तो ये मन और मनोलय स्थिति का वर्णन है, सशब्द नाद और निःशब्द नाद, ये भी दो हो गया, देखो सशब्द और निःशब्द, जिसमें भिन्न प्रकार के वीणा झंकार भेरी ढोल आकाश इत्यादि शब्द थे, अब निःशब्द कुछ नहीं, नथिंग, अब कुछ नहीं, जब ये नाद आ जाता है ये परम पद है, इसमें परमात्म आत्मतत्व का बोध हो जाता है, बोध हो जाता है। जब सतत नाद का अनुसंधान करने पर समस्त विषय वासनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, तब मन और प्राण दोनों संशय रहित होकर उस निराकार परब्रह्म में लय हो जाते हैं। तो नाद से वासनाओं का लय होता है, वासनाएं नष्ट होती है, करोड़ों करोड़ नाद एवं बिंदु उस ब्रह्म रूप ओम के नाद में विलीन हो जाते हैं। नाद में लीन वा योगी जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि सभी अवस्थाओं से मुक्त होकर सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाता है, वह योगी उदासीन हो जाता है, मृतवत हो जाता है, जैसे मृत्यु को है उसी मृतवत अवस्था में था, सुख दुख से कोई प्रभाव नहीं, किसी चीज से कोई प्रभाव नहीं, उस प्रकार का हो जाता है, वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, वह मुक्ति को प्राप्त, कैसे, काष्ट जागते देहे उन्मनी अवस्था ध्रुव ना जानाती सा शीतोष्ण ना दुख ना सुख था। अर्थात जब मन की अवस्था अमन हो जाती है, उन्मनी आ जाती है, तब उस समय योगी का शरीर लकड़ी की भांति चेष्टा रहित हो जाता है, अब कोई इच्छा नहीं रहती है, उस अवस्था में ना मन को शीत ना उष्ण ना सर्दी लगती ना गर्मी लगती ना सुख दुख ना भूख प्यास किसी चीज की कोई भी क्या अनुभव नहीं होता, उन सबसे मुक्त हो जाता है, ये अवस्था ही उन्मनी अवस्था है। क्या अवस्था है, उन्मनी अवस्था। जागृत निद्रा विनुमुक्ति स्वरूप अस्तित्व में आत, अर्थात योगी जागृत और निद्रा की अवस्था से मुक्त होकर अपने सच्चे स्वरूप आत्मस्थ में स्थिर हो जाता है। तो योगी ब्रह्ममय प्रणव नाद की तुरी अवस्था में पूर्णतया, तो तुरी अवस्था कब आ गया, जब जागृत निद्रा से भी पूरा मार अपमान सुख दुख शीत उष्ण से ऊपर उठ के मुक्त हो गया, निद्रा की अवस्था से भी मुक्त हो जाता है, तब वह सच्चे स्वरूप में आत्मस्थित आत्मस्थ को यहाँ तुरी अवस्था कहा है। और योगी ब्रह्ममय प्रणव नाद की ब्रह्ममय प्रणव नाद की तुरी अवस्था अर्थात परमानंद में पूर्णता स्थित हो जाता है, पूर्णता स्थित हो जाता है। तो मूलतः हंस पक्षी, ठीक है, हंस पक्षी में चार चीज ध्यान रखनी है, पहली मात्राएं, चारों मात्राएं अकार उकार मकार इत्यादि, ठीक है, फिर गुण, फिर धर्म अधर्म, और फिर सात लोक, फिर शुरू की चार मात्राएं, ठीक है, आग्नेय वायव्य सूर्य सूर्यमंडल और वारुणी, इन चारों की तीन तीन तो 12 मात्राएं, घोषिणी से लेके ब्राह्मी तक, फिर इनका विनियोग, 12 के नाम और 12 के विनियोग, यहाँ चक्रवर्ती सम्राट से लेके मनुष्य लोक से ब्रह्म लोक तक साधक पहुंचता है, 12, ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट से चार पांच लोकों में जाता है, यक्ष लोक, विद्याधर लोक, गंधर्व लोक, ठीक है, फिर देव लोक आ जाता है, उसी नाम चंद्रलोक, चंद्रलोक पर इंद्र लोक, इंद्र से विष्णु लोक, विष्णु से रुद्र लोक, रुद्र लोक से फिर महाजना तपा सत्यम, महाजना तपस, ये अंतिम के चार, अंतिम चार में तो स्मरण करना ही नहीं है, महाजना तपा सत्यम, वैष्णवी विष्णु, सांगरी शिव, इंद्र इंद्र इंद्र, आगे ऊपर याद रखना नाम ध्याया, नाम ध्याया के साथ साथ वायु वेगिनी पातंगी और विद्युत मात्रा अंतिम, सबसे पहले घोषिणी, तो उल्टा सीधा क्रम से करके ये 12 और 12 में विनियोग,
ठीक है, 12 में विनियोग का फल क्या है, ठीक है, 12 में विनियोग का, तो गंधर्व के रूप में, चंद्रलोक में, इंद्र इत्यादि, ये तो यही है, ठीक है। तो यक्ष मनुष्य से, चक्रवर्ती सम्राट से, यक्ष से विद्याधर, विद्या से गंधर्व, गंधर्व से चंद्रलोक, चंद्रलोक से इंद्र, इंद्र से विष्णु लोक, जिसको वैकुंठ लोक भी कहते हैं, रुद्र लोक, रुद्र शिव का, फिर महाजना तपा सत्यम, ये इनका विनियोग है। विनियोग के बाद नाद अनुसंधान, नाद अनुसंधान की साधना आती है, क्या आती है, नाद। तो ब्रह्म प्रणव संधानम नादो ज्योतिर्मय शिवा, तो ब्रह्म प्रणव संधान, यहाँ नाद ब्रह्म प्रणव संधान का, ब्रह्म रूपी प्रणव का संधान, संधान यानी खोजना भी होता है और संधान यानी लक्ष्य साधना भी होता है। तो प्रणव पूरी लक्ष्य को साधना, तो ये ब्रह्म प्रणव रूपी संधान, और ज्योतिर्मय शिव, उससे जीवात्मा ज्योतिर्मय शिव के साथ एकाकार हो जाती है, और तब एकाकार हो जाती है तो चिंतन से नाद रूप में स्वयं प्रकाशमान शिव प्रकट होते हैं। कैसे, जैसे बादलों से, सॉरी, सूर्य से बादल हट जाते हैं तो भुवन भास्कर से सूर्य भगवान प्रकट हो जाते, इसी प्रकार जब नाद प्रकट हो जाता है, नाद प्रकट हो जाता है, विषय वासना नष्ट हो जाती है, तब कब, जब विषय वासना नष्ट हुई तो नाद प्रकट हुआ, नाद प्रकट हुआ तो शिव रूपी हमारे भीतर कल्याणकारी स्वरूप प्रकट हो जाता है। अब नाद साधना करनी है, नाद संधान की, तो फिर बोलते हैं सिद्धासन में बैठो, वैष्णवी मुद्रा लगाओ और दाएं कान के भीतर जो आवाज ध्वनि उठ रही है उसको सुनने का प्रयत्न करो। इतना कर लेंगे तो इसको आत्मसात करके पूरी अवस्था तक साधक पहुंच जाएगा। प्रारंभिक अवस्था में अलग नाद है, मध्यम अवस्था में और प्रारंभिक में समुद्र मेघ भेरी झरने, स्मरण रखना, मध्य में यहाँ मृदंग घंटे नगाड़े, और अंतिम अवस्था में किंकणी वंशी वीणा और भ्रमर की ध्वनि के समान मधुर नाद सुनाई पड़ता है। ये हो गया नाद के दो प्रकार, घन नाद, सुनाद, शब्द नाद, सशब्द नाद और निशब्द नाद। ध्यान रखना, घन दृष्टि मतलब